मैं मरसोला टू भिकिया सहन मात्र 41 किलोमीटर जो मैंने पहले बनाई थी वीडियो, आज फिर उसी रोड पर जर्नी करने जा रहा हूँ। जा रहा हूँ उसी से, देखता हूँ कि आज उस रोड पर कितना काम हुआ है, कितना। तो वेलकम बैक का माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे ब्लॉग्स में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज है मंगलवार और कल को 2 अक्टूबर है और आज मैं जा रहा हूँ राइडिंग पे। और कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, तो बने रहिएगा और पूरा ब्लॉग देखना। उसके बाद आपको कैसा लगा क्या कॉमेंट बॉक्स जरूर बताना। 11:30 बज चुके हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाइक पर। रात में ठीक इस समय 12:24 हो चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। मेरे साथ B1 ब्लॉग्स भी आ चुके हैं और निकल चुके हैं यहाँ से। और अब देखते हैं कितने बजे हम रामनगर पहुँचते हैं। तो पहले चलते हैं यहाँ से मेन हाईवे, और जैसे कि अभी इस समय 12:24 हो चुके हैं और गलियाँ एकदम सुनसान हो चुकी हैं। तो ये हैं दिल्ली की गलियाँ रात की। सामान वामान सारा पैक हो चुका है, बाकी आपको मिलते हैं रास्ते में आगे और नज़ारे दिखाते हुए निकलते हैं। जैसा कि आप इस समय घड़ी में देख सकते 26 मिनट हो चुके हैं, 12:26 हो चुके हैं और मैं निकल चुका हूं अपने सफ़र पर। कहां जा रहा हूं, क्या जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को बने रहेगा। मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कहीं ना कहीं काम पर व्यस्त होंगे। तो निकलते हैं और आज की सफ़र पर शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग, और आप बने रहिएगा। चैनल आपका अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो निकलते हैं, मिलते हैं आपसे हाईवे रोड पर, क्योंकि ऑलरेडी गाइज मैं पहुंच चुका हूं हाईवे रोड पर और इस समय मैं हूं इंद्रपुरम में और निकल रहा हूं। तो ट्रैफिक का नज़ारा आप देख रहे हैं इस समय, बहुत ही सुंदर नज़ारा और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। और रात रात में हम 3-4 घंटे के अंदर हम काशीपुर या रामनगर पहुँच जाएँगे। बहुत ही बढ़िया सुगम यात्रा, और फिर मिलते हैं आपसे। मसूरी से आगे पहुंचे तो यहाँ पर लग गया है जाम। पता नहीं ये जाम कैसा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो हमारे जो भाई हैं वो B1 ब्लॉग्स वो पीछे रह गए हैं और वो अभी आए नहीं हैं और जाम लग गया यहाँ पे। तो मिलते हैं आपसे आगे, थोड़ा जाम से निपट लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे आगे। उमेश पांडे ब्लॉग्स, थैंक यू। तो काफ़ी लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, सब्सक्राइबर मिल रहे हैं यहाँ पे, जो कि पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो। तो यहाँ पे जाम बहुत देर से जाम लगा पड़ा है यार, पता नहीं क्यों। तो गाइज ऑलरेडी जो है यहाँ पर ना 1.5 घंटा हमारा बर्बाद हो गया यहाँ पे, और क्योंकि जाम लगा था। और हम पहला दिल्ली से जो आते हैं रामनगर की तरफ, मुरादाबाद की तरफ, तो पहला टोल पर इतना जाम लगा पड़ा है कि क्या बताऊँ। 5 नंबर वाले खड़े हैं यहाँ पर इसके वजह से। और हमारी गाड़ी में थोड़ा हवा कम है तो हमने सोचा हवा भर लेंगे। और आज मेरे साथ हैं बलवन जी। तो बलवन जी कैसा लग रहा है आपको? भाई बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई राइड हमारी स्टार्ट बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जो यहाँ ट्रैफिक मिला है ना, इतना हालत खराब कर दी। आधा घंटे से ज्यादा हो गए, आधा घंटा 1 घंटा से ऊपर हो गया, पता नहीं कितने घंटे हो गए, लेकिन कवर हमने 4-5 किलोमीटर ही करे हैं। तो ये है मेरी बाइक और ये है B1 ब्लॉग्स की बाइक है। तो हवा कम है इस समय और हवा भरते हैं, हमारे पास ये पंप है और ये भी आप लोग भी मंगा देना अगर कभी कहीं राइड करते हैं ना, तो ये अच्छा लगता है। और इस समय भी हम हापुड़ भी नहीं पहुंचे और हमारा हवा कितना कि 30 हो गया था, यह यहाँ पर आएगा 40 हो गया। तो हवा भरी जा रही है इसमें, और हवा भरने के बाद अब तुरंत निकलेंगे पतला, क्योंकि हवा इसमें पहले से कम थी, टाइम मौका नहीं मिल पाया कि पेट्रोल पंप पर जाएंगे हवा भरेंगे। ऑलरेडी हवा भर चुकी है हमारी और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा, और अब हम मिलेंगे आपको सुबह के टाइम पर सीधा, जहाँ पर भी सुबह उजाला होगा वहाँ पर मिलेंगे। तो A few minutes later. तो गाइज ऑलरेडी सुबह के 7 बज चुके हैं, उजाला हो चुका है, हम पहुँच चुके हैं काशीपुर इस समय। और हम बहुत पहले पहुँच जाते हैं, लेकिन क्या करें कि आज अमावस्या होने के कारण तो गढ़ गंगा पर जो ना बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़, कम से कम 1.5 घंटा तो हमको वहीं जाम में फंस गए। तो पहुँच चुके हैं यहाँ पर, अभी हमने यहाँ पर चाय पिया और उसके बाद नाश्ता करा, और उसके बाद हम यहाँ पर ठीक सूर्यदेव का भी उग गए हैं, आ चुके हैं।
और ये सामने जो नज़ारा देख रहे हैं आप, ये है काशीपुर का रेलवे स्टेशन और हमने चाय जो है यहाँ पर पी। तो अब आपको एक अनोखी चीज़ दिखाने वाले हैं। अगर हम आए रखे हैं आज, समय भी हमारे पास है, तो जल्दबाजी ना करते हुए तो आज हम जा रहे हैं रामनगर, और रामनगर से फिर आपको एक अनोखी चीज़ दिखाने वाले हैं आज, आप बने रहिएगा। तो चलते हैं, वो अनोखी चीज़ क्या है आपको भी दर्शन कराते हैं। तो निकल है और उसके बाद अब निकल गए हम यहाँ से रामनगर की ओर। तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन एक बात है, अब जो है ना थोड़ा थोड़ा सुबह को जो है ठंड होना स्टार्ट हो गया है। और ये तो शहर है, अभी हम जब पीछे खेतों द्वारा जब आए हम पीछे, जब तो वहाँ पर कोहरा भी लगा हुआ था, तो यानी कि मौसम अब चेंज हो गया है और अक्टूबर लग चुका है। और क्योंकि आज है 2 तारीख, तो 2 अक्टूबर हो चुके हैं, तो इसके वजह से अब ठंड भी शुरू हो रही है। और जितना यहाँ से पहाड़ नज़दीक आएगा ना, तो उतना ही यहाँ पर ठंड भी बढ़ते जाएगी। तो चलते हैं, और हमारे जो V1 ब्लॉग्स राइडर हैं वो आगे निकल चुके हैं। और ये देखिए पुल यार, काशीपुर का बड़े मुश्किल से तो ये पुल बना है, और वो भी इतना छोटा सा बनाए, और उसी में 1-way 2-way चल रहा है इसमें, तो जबकि यहाँ भी ट्रैफिक बहुत है अभी दिन में अगर आप देखेंगे तो। और ये जो रोड जा रही ना, ये जा रही सीधा बस अड्डे की तरफ, यानी कि बाजपुर बस अड्डे की तरफ, तो ये वाली रोड है आप देख सकते हैं, ये भी चालू हो गई है। लेकिन ये पुल जब बनना था तो इतना ढंग का बनता, लेकिन कुछ खास नहीं बन पाया, काम चलाओ। और आगे भी जो पुल बन रहा है वो भी कुछ खास नहीं बन पाया, लेकिन ये कई साल हो गए अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों, किस वजह से ये काम रुका पड़ा है। ऊपर पिलर तो पड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, ये पता नहीं क्यों। तो अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ। तो जी ये आ गया पीरू मदारा, और पीरू मदारा में भी लोग काफ़ी रहने लग गए यार अब। तो ये जा रहे हैं हमारे V1 ब्लॉग्स, बहुत ही शानदार। हाहा, ठीक लग रहा है, हैं? आ जाओ, पहुँच चुके हैं हम, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और रामनगर से आज डिसाइड करेंगे कि हम किस रास्ते से जाएंगे, तो वो आपको बताएंगे आगे जाके। उसे हो सकता है हम मरचूला से जो न्यू रोड बनी है विकासन वाली, उस रोड से भी जा सकते हैं। लेकिन इस समय सुबह के जो है 7:30 बज रहे हैं, आधे घंटे में हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और भाई साहब तबाही मचा दी हमने, तबाही बिल्कुल, देखो सब कुछ बंद है, और 7:30 बजे मार्केट। लेकिन मौसम देख रहे हो, घनघोर बादल लगे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज धूप आएगी। और लेकिन एक रिस्क हम ज़रूर उठा रहे हैं कि अगर मैं मरचूला वाली रोड से जाता हूं, तो वो मरचूला से पता करना पड़ेगा कि भिक्यासेन जो नई न्यू रोड है खुली है कि नहीं, तो वो तो वहीं जाके पता चलेगा ना। अब देखो ना रोड कैसे जगह पर खड़े करते हैं लोग, तो वहीं जाके पता चलेगा। तो चलते हैं और देखते हैं किस रास्ते से हम निकलते हैं आज। वैसे हमने रामनगर का हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाना था, लेकिन हमने खा दिया आमलेट, बड़ी गलती हो गई हमसे, क्योंकि आज अमावस्या भी थी तो पता नहीं चल पाया। तो इसके चक्कर में अब हम जो है मंदिर नहीं जाएंगे, और हम जाएंगे सीधे पहाड़ की तरफ जाएंगे। तो तेल भरेंगे आगे से और सीधे निकलेंगे, अपने पहाड़ की जर्नी करेंगे। तो चलते हैं, आपको और आगे का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। जो हमारा मार्केट है ना पहाड़ का, तो इसको बोलते हैं रामनगर। और ये दिल्ली से मयूर विहार से यहाँ तक 255 किलोमीटर का हमारे को पूरा बैठा हुआ है, और यहाँ से लगती है बसें सारी पहाड़ को। तो रोडवेज़ की जो बसें आती है वो यहाँ तक आती हैं, और यहाँ से फिर उत्तराखंड की बसें चलती हैं ऊपर को। तो ये है जी रामनगर, और आज रामनगर का बेहद मौसम जो है ठंडा हो रखा है, और देखते हैं क्या होता है आगे जाके। देखते हैं, 535 रुपये का तेल और डाला इसमें, और 535 का मैंने डाला था दिल्ली से, तो यानी कि यहाँ तक जो है यार पूरा जो है 500 का तेल पूरा लग जा रहा है भाई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 7 गेट हैं, नहीं पूरा 8 गेट हैं, और एक गेट यहाँ छूट गया है, और ऐसे करके आगे बढ़ के तो 8 गेट हैं। तो यहाँ जिम कॉर्बेट को घूमने के लिए आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें घूम सकते हैं, सफारी कर सकते हैं। तो
तो बहुत ही बढ़िया है। और जैसे कि हम ऊपर को चल रहे हैं और तो हर जगह बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आप कृपया रोके ना, देखो यहाँ पे लिखा है ना, तो ना तो यहाँ पे जो है ठंड शुरू हो गई है, हाथ एकदम ठंड से वो हो गया और दस्ताने लाना भूल चुका हूँ, क्योंकि कल सामान जब रख रहा था तो एक टेबल कुर्सी एंड ग्लव्स जो है मैं घर पर ही भूल आया। शानदार गज है और सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये है पूरा गर्जिया माता मंदिर। तो ये है नीचे, यहाँ से सीढ़ियाँ पहुँच चुके हैं क्रोकोडाइल पॉइंट पे। और रामगंगा नदी में ना यहाँ पर मगरमच्छ भी है एक, वो मगरमच्छ दिखाई देता है, वो साथ छोले वोले खाए, समोसे खाए, तो थोड़ा जाना है यार। आज मैं मरचूला टू भिकिया सैन मात्र 41 किलोमीटर, जो मैंने पहले बनाई थी वीडियो, आज फिर उसी रोड पर जर्नी करने जा रहा हूँ। जा रहा हूँ उसी से, देखता हूँ कि आज उस रोड पर कितना काम हुआ है, कितना टूटा हुआ है, तो सारा आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। तो चलते हैं यहाँ से।